हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके टीजीटी पीजीटी एलटी केबीएस एनबीएस हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इसमें से जरूर गलती हो जाता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एक भी इग्नोर करने लायक नहीं है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मनोविज्ञान आते ही हमारे मन में यह सवाल आता है कि मनोविज्ञान की जनक कौन है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसी जनरल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करूंगी कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर व्यवहार का विज्ञान जो वर्तमान समय में कहा जाता है कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो व्यवहार का। और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, डेकार्ट, ये सब आत्मा का विज्ञान कहे, ठीक है, जो 16वीं शताब्दी में कहा गया। फिर है मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान के जनक कौन है, तो पेम्पोनॉजी 17वीं शताब्दी में इसको मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, पेम्पोनॉजी जो इटली के मनोवैज्ञानिक थे। फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा और इसके समर्थक कौन कौन थे, तो चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी में कहा गया और विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइफ्स ये सब चेतना के विज्ञान के पैदा थे, ठीक है। और लास्ट में आया सब का निचोड़ व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में, और इसको इसके जनक हैं वाटसन, इसके समर्थक हैं वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थार्नडाइक, मैकडूगल, ठीक है। और महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध मनोविज्ञान किसने कहा, तो वाटसन ने कहा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ये तो हमेशा आता है कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा, मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, चेतना का विज्ञान किसने कहा, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, किस सन में आया आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को किस शताब्दी में कहा गया, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जैसे कि व्यवहार का विज्ञान है, तो ये तो निश्चित है कि व्यवहार का विज्ञान पूछेगा ही कि व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को कब किस शताब्दी में कहा गया, तो 20वीं शताब्दी में, और इसके जनक कौन है, तो वाटसन है, और पैदर कौन है, तो वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थार्नडाइक, मैकडूगल, और इसी मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध मनोविज्ञान कहा वाटसन ने। अब चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि मनोविज्ञान के पिता कौन है, मनोविज्ञान के पिता कौन है, विलियम वुंट। ये मनोविज्ञान के पिता, चाहे प्राचीन मनोविज्ञान के पिता या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता, तीन तरह से पूछ सकता है। तो मनोविज्ञान के पिता, प्राचीन मनोविज्ञान के पिता, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन है, विलियम वुंट है, ठीक है। अब बात आती है कि आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो है वो विलियम जेम्स है, ठीक है। विलियम वुंट और विलियम जेम्स में कंफ्यूज मत होइएगा। विलियम वुंट जो है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता, मनोविज्ञान के पिता या प्राचीन मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं विलियम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स। एंड खेल मनोविज्ञान के पिता कौन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो खेल मनोविज्ञान के पिता कौन है, कोलमैन ग्रिपिथ, क्योंकि हमारे सिलेबस में खेल मनोविज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो खेल मनोविज्ञान के पिता कौन है, कोलमैन ग्रिपिथ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिए, ठीक। एंड शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है, थार्नडाइक, और व्यवहारवाद के जन्मदाता वाटसन। और कलिस्थेनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किसने किया, कलिस्थेनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किया प्लेटो, ठीक है। और मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई और कब स्थापित की गई और किसने स्थापित किया, ये तीन क्वेश्चन बनते हैं। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लीपजिग शहर में स्थापित किया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित किसने किया और कब की, तो
प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की प्रकाशन 1890 में विलियम जेम्स ने किया, जबकि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने बनाया? विलियम वुंट ने। विलियम जेम्स नहीं है, तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स में सिमिलर नाम है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला बनाया विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्ज़िग शहर में, जबकि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित की 1890 में विलियम जेम्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में, ठीक है, चेतना शब्द की निंदा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना की गई। ठीक है, प्रकार्यवाद की स्थापना कब की गई? 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मनोविश्लेषणवाद का विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो मनोविश्लेषणवाद का विकास प्रारंभ हुआ 1900 में सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ठीक है, शिक्षा में खेल जनक के पिता कौन है? शिक्षा में खेल को लाने वाले कौन है? शिक्षा में खेल जनक किसको कहा जाता है? तो कार्ल विल कुक को कहा जाता है। एंड शिक्षा में खेल प्रणाली को प्रयोग किसने किया, शुरुआत किसने किया? तो फ्रॉविल ने किया। तो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली यानी खेल विधि के जन्मदाता, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रॉविल। ठीक है, फ्रॉविल। नेक्स्ट है बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण सबसे पहले अल्फ्रेड विने ने किया 1905 में। अब बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो टर्मन ने दिया। ठीक है, टर्मन ने दिया। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु अपन वास्तविक या क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, गुणे 100 यानी एम ए बटे सी ए गुणे 100। ठीक है, एंड नेक्स्ट है योजना विधि के प्रवर्तक या प्रयोजना विधि के प्रवर्तक कौन है? तो किलपैट्रिक। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कर के सीखने के सिद्धांत के पजथर या प्रयोगवाद की समर्थक कौन है? जान डीवी। ये जान डीवी से संबंधित क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसको विशेष ध्यान में रखिएगा। कर के सीखना किसने कहा है या प्रयोगवाद के जनक कौन है? जान डीवी। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि स्याही के धब्बों वाला परीक्षण किसने किया? तो रोर्सा ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है जो मैस्लो, ठीक है, प्रेरक को दो पार्ट में कौन डिवाइड किया? जन्मजात और अर्जित प्रेरक। ठीक है, तो मैस्लो ने बताया। तो दोस्तों ये था मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे जिसको भी इस वीडियो की आवश्यकता हो वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।